झगड़ा ना करें, आपसी भाईचारा बना कर रखे, झगड़ा ना करें। आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट होती हुई काउंटिंग सेंटर के बाहर, आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर मारपीट होती हुई और पुलिस हमलावरों को पकड़ कर लेकर जाती हुई और झगड़ा भी होता हुआ। आप देख सकते हैं झगड़ा ना करें, आपसी भाईचारा बना कर रखे, झगड़ा ना करें। आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट होती हुई काउंटिंग सेंटर के बाहर, आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर मारपीट होती हुई और पुलिस हमलावरों को पकड़ कर लेकर जाती हुई। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, काउंटिंग सेंटर के बाहर जो हमलावर थे उनको भी पुलिस इस समय लेकर जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि झगड़ा करें। तो आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है झगड़ा हो गया था, क्योंकि चुनावी रिजल्ट के बाद इस तरह का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपसे अपील करता है कि शांति में भाईचारा बनाकर रखे, शांति भाईचारा बनाकर रखे, झगड़ा आपस में ना करे, झगड़ा आपस में ना करे, शांति भाईचारा बनाकर रखे। जिसकी लाइव तस्वीरें गरोंडा स्थित काउंटिंग सेंटर के बाहर से आप देख सकते हैं, झगड़ा ना करें, अपने अपने घर जाएं, जीत या हार के रिजल्ट कुछ भी रहे हो लेकिन आपस में माहौल ना बिगाड़े। आप देख सकते हैं हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। वार्ड से आप उम्मीदवार थे? भाई साहब मैं वार्ड नंबर 3 से था, ब्लॉक समिति के, ब्लॉक समिति में। तो क्या झगड़ा हुआ था दूसरा उम्मीदवार? उसने बिना बात मारपीट कर दिया। कौन थे वो? वो तो अपराजित तत्व, गुंडे तत्व थे, गुंडे लोग थे। दूसरे उम्मीदवार थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आपस में नहीं झगड़ना चाहिए भैया, जो जीत हार तो सबके हाथ चलती है। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। तो आप हारे इस बार? हाँ जी, इस बार। कौन जीता है वहाँ से? वो जिन्होंने मारपीट करके। आपस में मारपीट ना हो, हालांकि आप देख सकते हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो इन पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस चीज की आपसे अपील कर रहा है। लगातार जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों के नतीजों की कवरेज करनाल ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा है, लेकिन एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते आप लोगों से अपील कर रहा है, चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, लेकिन आपसी भाईचारा खराब ना करें। आपने देखा गरोंडा काउंटिंग सेंटर के बाहर जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर एकत्रित है और पुलिस किस तरह से पूरी सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए हुए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 3 से ब्लॉक समिति का एक उम्मीदवार हार जाता है और जीता हुआ उम्मीदवार दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। ये तो पुलिस बीच में आई, नहीं तो एक दूसरे के सिर में फोड़ देते, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हमने आपसी भाईचारा खराब नहीं करना है, पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, अगर कोई भी काउंटिंग सेंटर के बाहर झगड़ा करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेगी। पुलिस के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से तैनात है, पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, ड्यूटीज लगाई जा रही हैं ताकि रिजल्ट आने के बाद आपसी भाईचारा खराब ना हो, टकराव की स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर आप देख सकते हैं पुलिस इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर जो भीड़ इकट्ठा है उनको साइड में करती हुई नजर आ रही है, भीड़ को साइड में करती हुई नजर आ रही है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से काउंटिंग सेंटर के बाहर का इलाका उसको खाली कराया जा रहा है ताकि आपस में टकराव ना हो, आपस में टकराव ना हो, आपस में लोग ना झगड़े, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जीतने वाला उम्मीदवार बाहर आएगा, उनके समर्थक हारने वाले को कोई टोंट कसेंगे, आपस में झगड़ा होगा, आपस में मारपीट होगी, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि आपसी भाईचारा शांति बनाकर रखें। आप इसके बाद गांव में जाते हैं, अपने वार्ड में जाते हैं, आप जश्न मनाइए, लेकिन आप अपने युवा समर्थकों को यह जरूर कहिए कि हारने वाले उम्मीदवार पर कोई टोंट ना कसे, उसके इलाके में उसकी गली से अगर आप निकल रहे हैं तो किलकिया ना मारे, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि एहतियात के मद्देनजर पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी काउंटिंग सेंटर के बाहर तैनात है। अगर आप उपद्रव करेंगे, अगर आप हिंसा करेंगे, अगर आप मारपीट करेंगे तो आपके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर कर सकता है। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।